हेलो, कोविड के टाइम से स्पेशली इंडिया में लोग पेट्स बहुत पालने लग गए हैं। एंड जो पेट लवर्स हैं वो जानते हैं कि जब एक बार पेट घर में आ जाता है तो वो बिल्कुल फैमिली मेंबर बन जाता है और आप उसको छोड़ के कहीं ट्रैवल ही नहीं कर सकते हैं। इस बार जब मैं अपने पेरेंट्स के से मिलने जा रही थी छत्तीसगढ़, तो मेरे बच्चे भी जाना चाहते थे मेरे साथ, तो फिर हम स्पेड को कहाँ छोड़ते। तो फिर हमने पता लगाना शुरू किया कि स्पेड कैसे हमारे साथ ट्रैवल कर सकता है। तो आइए मैं भी आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने मैनेज किया स्पेड को छत्तीसगढ़ ले जाना। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट स्पेड ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू छत्तीसगढ़ एंड देन बैक होम टू दिल्ली। हमने स्पेड के साथ बाई रोड तो बहुत ट्रैवल किया है, बट फ्लाइट से कभी नहीं किया था। सो हमने पता लगाना शुरू किया कि कौन सी एयरलाइन है जो कि पेट फ्रेंडली है। एंड फाइनली आई मीन इट इज सो अमेजिंग एंड सो सैड दैट इन इंडिया इट इज जस्ट एयर इंडिया दैट टेक्स पेट्स। लकीली देर आर एयर इंडिया फ्लाइट्स गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू रायपुर, एंड सो वी इमीडिएटली गॉट आर बुकिंग डन इन एयर इंडिया। बट आई ऑल्सो गॉट टू नो फ्रॉम वेरियस वीडियोज एंड आर्टिकल्स दैट इट इज ऑलवेज बेटर टू बुक द लास्ट सीट्स, बिकॉज यू नो कई पैसेंजर्स होते हैं जो कि डॉग से डरते हैं या दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल ट्रैवलिंग विथ पेट्स और डॉग्स। सो वी हैव टू बी वेरी यू नो सेंसिटिव टूवर्ड्स देयर फीलिंग्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट डिस्टर्ब देयर ट्रैवल। और इसीलिए मैंने और मेरे दो बच्चों ने सीट्स लिए राइट एट द एंड। सो एंड लास्ट थ्री सीट्स वी बुक फॉर आर सेल्व्स। पेट के लिए कोई सीट बुकिंग की जरूरत नहीं होती है। जो लोग पेट्स रखते हैं उन्हें पता है कि हमारे पास एक पूरी वैक्सीनेशन की रिपोर्ट कार्ड होती है पेट्स की, वो ले जाना बहुत जरूरी होता है ट्रैवल के टाइम में। और आई वुड एडवाइस कि एक हफ्ते पहले ही आप वेट के पास ले जाइए, अपने वेट के पास, और अपने पेट को दिखाइए, बिकॉज वी ऑल्सो विजिटेड द वेट एंड गॉट टू नो दैट इसको स्पेट को थोड़ा सा फीवर था। सो द डॉक्टर पुट हिम ऑन एंटीबायोटिक एंड 3 दिन लेने के बाद ही वॉज स्पेट वॉज कम्प्लीटली फाइन। और उसके बाद में इसका सारा चेकअप होता रहा एंड रेबीज का इंजेक्शन भी डॉक्टर ने लगाया। और डॉक्टर पूरी रिपोर्ट लिखते हैं कि हाउ हेल्दी द पेट इज, एंड ये रिपोर्ट आपको कैरी करना होता है। ये हर जगह आपसे पूछा जाएगा, सो प्लीज एंश्योर दैट यू कैरी दिस रिपोर्ट फ्रॉम द वेट। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज टू बाय द पेट कैरियर। Now we had to ensure that this carrier meets IATA standards. It is suitable for my pet, and we had to check dimensions before buying. We had to ensure that our pet has room to sit, stand, and sleep comfortably within. और इसको खरीदने के बाद हमने उसको अपने रूम में रखा एंड वी वॉन्टेड स्पेड टू गेट यूज टू दिस कैरियर बिकॉज इट इज़ अ बिट अनकम्फर्टेबल, यू नो ही वॉज वेरी स्केयर्ड गोइंग इनसाइड इट, बट धीरे धीरे वो जाने लग गया और ही फेल्ट अ बिट कम्फर्टेबल विद दिस कैरियर। We also bought the dog mouth cap. This is very much needed when your pet is traveling. And finally came the travel day. So Spedo has had a bath and he's ready for a brush. Come here. Good boy. Good boy. Let's go. Shall we? Let's go. Let's go. Come. We'll go. As requested by Air India, we were at the airport around 3 hours before the takeoff. आई शुड से दैट एयर इंडिया स्टाफ वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल। वो बहुत हेल्प कर रहे थे हमारी, लेकिन वो भी पॉलिसी से बाहर नहीं जा सकते थे, इसीलिए उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था एंड इट वॉज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। दोज 2-3 hours वेर रियली प्रॉब्लमेटिक फॉर ऑल ऑफ अस। फॉर हिज टिकट आई थिंक वी पेड अराउंड 800 rupees पर kg, इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली। अगर आपका पेट
5 kg से ज्यादा है तब तो आपकी बात लग गई, बिकॉज स्पेड वॉज अ बिट मोर देन 5 kg, सो वी हैड टू वेट फॉर दी पायलट्स परमिशन। बहुत मुश्किल होती है बिकॉज पायलट कम्स राइट एट द एंड एंड बहुत लास्ट तक आप you are so anxious, you don't know whether you will be able to take your pet or not, what will happen. I did not want him to give into luggage or the cargo. I had to carry him along with me, otherwise I had decided that I will not go. So it is really very stressful carrying pets. Agar aapka pet 5 kg se zyada hai tab to I would really advise you take the train, but if the pet is less than 5 kg then Air India is the answer. I have to admit that the flight was not very comfortable for Spade. He was a bit restless, especially when the flight was taking off. He was, very, very restless. But dheere dheere wo sone lag gaya phir, aur I saw him sleeping for some time. तो अच्छा था, बट अगेन जब लैंड कर रही थी फ्लाइट तब अगेन ही वॉज वेरी रेस्टलेस, बट एंड ऑफ द डे इट जस्ट फाइनली वॉज ओवर एंड आई वॉज सो वेरी ग्लैड व्हेन फाइनली वी वेर आउट ऑफ द एयरपोर्ट। रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड करते ही आई वॉज सो रिलीव्ड, आई वॉज सो टेंस्ड अप फ्रॉम सो लॉन्ग, बट देन व्हेन आई मेट माई कजन्स एंड एवरीबडी आई फेल्ट इट वॉज वर्थ टेकिंग ऑल द पेन्स। स्पेड वॉज सो सो वेरी हैप्पी टू मीट एवरीबडी एंड उसके बाद फ्रॉम रायपुर वी टुक आर टैक्सी फॉर कोरबा एंड स्पेड जस्ट लव द रोड ट्रिप। My parents and everybody in my family just loved his company. इतनी सारी खुशियाँ दी स्पेड ने उन थोड़े से दिनों में कि मैं क्या बताऊँ। Really, pets bring so much of happiness for the family. कितनी खुशियाँ लेकर के आते हैं। They don't expect anything from us. We just need to give them love and then they are just the most precious thing in our lives. Flight was very stressful, so my son decided that he will travel by train with Spade. So we got to know that the pet can only travel if you have a booking in first class AC, and that too if it's a coupe, then it's the best. So he got a ticket done in first class AC in a coupe and traveled with Spade in that. And believe me, that was the best journey I think the Spade could have had while returning home. हम करीब 1.5 घंटे पहले यहाँ पहुँच गए हैं। अगर आप पेट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो जल्दी आना ज़्यादा अच्छा होगा। एंड माय यंगर वन एंड मी वी ट्रैवल्ड विदाउट स्पेड बैक टू दिल्ली। इट वॉज रियली वेरी सैड एंड वी मिस्ड हिम अ लॉट। ये तो मुझे पता चल गया कि सबसे मजा स्पेड को आता है रोड ट्रेवल्स में। रोड ट्रिप्स उसके लिए सबसे मजेदार चीज है, बट देन समटाइम्स यू कांट टेक रोड ट्रिप्स एंड सो यू विल हैव टू चूज बिटवीन ट्रेन एंड फ्लाइट। इफ पॉसिबल आई वुड सजेस्ट यू चूज ट्रेन्स बिकॉज पेट्स आर वेरी कंफर्टेबल इन ट्रेन्स।